डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक्स एसोसिएशन के तत्वाधान में ये जो आज प्रतियोगिता है कॉम्पिटिशन 3 दिन का यहाँ पर शुरू हो रहा है। सबसे पहले हटली चाहिए मैनेजमेंट अनवी सेठ, मानसी चौधरी, मानवी राणा, आचार्य सुनील कुमार जी, टू कंप्लीट ऑल द टूर्नामेंट विच वी हैव कंडक्टेड रिलेटेड टू बास्केटबॉल और कबड्डी और कराटे क्रिकेट। टुडे फाइनली वी आर हैविंग दैट एथलेटिक मीट एंड थैंक यू ऑल टू बी द पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूँगा नालंदा कैंपस में। तो अभी ओपनिंग हुई है, आपने देखा होगा ये डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन के तत्वाधान में डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर के जो CBSE स्कूल्स हैं, फ्री स्कूल्स की टीम यहाँ पर आ जाई है, पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में जो 3 दिन तक चलेगा, परसों उसकी क्लोजिंग है। तो इसमें एथलेटिक्स से जुड़ी हुई विभिन्न जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं उनका बच्चे जो है ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग 350-400 बच्चे इस समय तक आ चुके हैं। तो मैं तो डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन का जो है धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने नालंदा वर्ल्ड स्कूल का जो है इस टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन किया और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो बच्चे बाहर से आए हैं, जो स्पोर्ट टीचर्स हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स के कोचिज हैं, मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर्स हैं, कि सभी का जो है नालंदा में हम जो भी हो सकता है अपनी तरफ से पूरा सहयोग करेंगे और सबका आभार भी प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने नालंदा वर्ल्ड स्कूल में आकर के जो है बच्चों को उत्साह बढ़ा, मनोबल बढ़ाने का काम किया। सुभाष जी, पहले कहीं ना कहीं खेलों को बाधक माना जाता था शिक्षा में, लेकिन चाहे सरकार की दूरगामी नीतियां उन्हें कहें या फिर बच्चों की बढ़ती हुई रुचि उन्हें कहें कि अब लगातार बच्चों की रुचि खेल की ओर बढ़ रही है और स्कूल भी प्रयास कर रहे हैं कि खेल की ओर बच्चों की रुचि बढ़े, उसका कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि अब स्पोर्ट्स कोटे में नौकरियां बच्चों को मिलने लगी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही मैं कहना चाहता था, अभी अपने रिसेंटली कोई बहुत ज्यादा लेटेस्ट अगर एग्जाम्पल दूं, एक जबीरण गांव पड़ता है हमारे नगर ब्लॉक का, बिल्कुल बेटी वहां की लड़की जो है बेटी प्राची चौधरी जो है एथलेटिक्स में सिल्वर का जो एक मेडल जीता था ओलंपिक्स में और उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने DSP बिल्कुल पुलिस में जो है एज ए DSP अपॉइंट करने का काम किया है। तो इससे बच्चों को बहुत मोरल अप होता है, मोटिवेशन मिलता है कि खेलों के माध्यम से भी बहुत अच्छी नौकरियां प्राप्त की जा सकती हैं। हालांकि रुझान थोड़ा सा कहने में मुझे कोई संकोच नहीं, बहुत सारे स्कूल्स के पास प्लेग्राउंड तक नहीं है, ये गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है एप्लीकेशन ग्रांट करने की, लेकिन सब चीज़ देखी जानी चाहिए क्योंकि खेल कूद का बहुत महत्व है शिक्षा में। पहले से देखते आ रहे हैं जो बहुत सारे एक सिंपल बिल्कुल बहुत सिंपल एग्जांपल अगर दूँ, हैप्पीनेस के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं खेल और कूद से बॉडी के अंदर वो रिलीज होते हैं और आज की जो आपाधापी भरा इस समय जो युग है इसमें इतने तनाव में है, चाहे पेरेंट्स की बात करें चाहे पढ़ने वाले बच्चों की बात करें, हर कोई तनाव में है। तो खेल और कूद के माध्यम से शरीर में जो है तनाव का स्तर कम होता है, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगता है, एकाग्रता जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन उसका लेवल बढ़ता है। तो निश्चित रूप से खेल और कूद बच्चे के एक कंप्लीट डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उसका निश्चित रूप से जो बच्चे के अंदर विकास होता है वो बढ़ता है और उसी के कारण बच्चे फिर अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच पाने में जो है कामयाब होता है।